Good morning all of you. Today I shall teach you about the BSc third year coordination chemistry part 7. Today we'll discuss about the stability of complexes and mechanism. Subha ka namaskar chhatro. Main Mukhtar Ahmed Sheikh Urmila Devi PG College Rasabro Prayagraj. आज मैं आपको BSc third year के coordination chemistry part 17 जो कि टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड मैकेनिज्म उसको बताऊंगा और आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है ऑलरेडी उसमें हमें किसी भी कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी जानना होता है कि उसमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी है। तो इसमें कुछ राइट किया गया है, इसको देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज असाइंड टू बी इट्स एग्जिस्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड रेट कॉन्स्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अकाउंट ऑफ दिस पैरामीटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज ऑफ टू टाइप्स थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखिए आपको बता दें कि हर एक कंपाउंड का कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एक प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टेबिलिटी है और हमको यह जानना होगा कि जो स्टेबिलिटी है वह ऑलरेडी उसमें किस तरह की स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी है कि काइनेटिकली स्टेबिलिटी है ना। दोनों चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आप पहले तो जानिएगा कि स्टेबिलिटी के लिए जैसे देखिए कोई भी रिएक्शन होगा है ना, जैसे ए और प्लस बी आपस में मिल करके क्या बना दिए हैं, सी प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन दिया है, यह बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक। तो आपको यहाँ पे यह जानना होगा कि ए और बी जब आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, सी प्लस डी बना दिया, यानी इसमें से यह एक क्या है, सबस्ट्रैक्ट है। क्या है यह, यहाँ पे एक क्या है, सबस्ट्रैक्ट है और दूसरा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो सबस्ट्रैक्ट और रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। सबस्ट्रैक्ट और रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। अब हमको जैसे ही यह पता चला कि यह प्रोडक्ट बना हुआ है तो हमको यह चेक करना है कि बना हुआ प्रोडक्ट जो है वह स्टेबल है कि नहीं है, यानी उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है। देखिए जब यह बन रहा होगा रिएक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन बन रहा होगा फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, जब यह रिएक्शन बन रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या क्या रहा होगा, इसमें ऑलरेडी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रही होगी, है ना भाई, क्या रही होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रही होगी, है ना, और क्या रहा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी रहा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी रहा होगा, फ्री एनर्जी रही होगी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, एनर्जी रही होगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब कोई रिएक्शन होता है यानी जब कोई सबस्टेंट और रिएक्टेंट आपस में मिला करते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑलरेडी इसमें यह बात तो तय है कि इन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी रही होगी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी रही होगी, इंटरचेंज रिएक्शन रहा होगा, इंटरवल चेंज भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, गिव्स की फ्री एनर्जी रह सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है ना, वर्क फंक्शन उसके अंदर हो सकता है, यानी तमाम चीज़ें, यानी कि बहुत सारे जो हमारे एक रिएक्शन बनने के प्रोसेस हैं वो सारे रहते होंगे। तो हम ऑलरेडी कैसे यह चेक करेंगे कि इसमें कौन सी स्टेबिलिटी है, आपको बता दें जो स्टेबिलिटी होती है वह दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। क्या होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी।
थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हुआ करती है। और यह थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑलरेडी यह सारी स्टेबिलिटियाँ जो हैं जो मैंने यह लिखा हुआ है यह थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं कौन सारी स्टेबिलिटी, ये सारी स्टेबिलिटी जो आती हैं यह ऑलरेडी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की ओर आती हैं। किस में आती हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में आती हैं। दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया है काइनेटिक स्टेबिलिटी, क्या बताया मैंने, काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में देखें आपको यह जानना होगा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में ऑलरेडी यह थर्मोडायनामिकली स्टेबल है कि नहीं है, है ना। यह कैसे जानेंगे अभी हम आपको बताएंगे। और काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी हुआ करती हैं उसके अंतर्गत हमको यह जानना होता है कि यह स्टेबिलिटी में यह लेबाइल है कि इनर्ट है, क्या जानना होता है, यह लेबाइल है कि इनर्ट है, ऐसे कंडीशन जानने होते हैं। थोड़ा सा गौर करिएगा, लेबिलिटी और इनर्टनेस जिसका नाम होता है यह काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, काइनेटिक और लेबिलिटी के ही अंतर्गत आता है। इसलिए आप इसको जानने की कोशिश करिएगा कि काइनेटिक और लेबिलिटी अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप यह देखिएगा जिसे हम लेबिलिटी कहते हैं और यहाँ पे क्या है, यह काइनेटिकली है, सॉरी इनर्टनेस है। तो लेबिलिटी और इनर्टनेस का मतलब यह होता है कि जो लेबिलिटी हुआ करती है उसमें ऑलरेडी जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी उसका जो ऑक्टेन होगा वह पूरा नहीं हुआ होगा। जबकि इनर्टनेस में क्या होता है कि लिगेंड जो होंगे वह मेटल के इलेक्ट्रॉन को जो अनपेयर में है या ऑलरेडी उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो ऑलरेडी उसको क्या कर देंगे, पेयर कर देते हैं। तो थर्मोडायनामिकली का मतलब होता है, आप यहाँ पे जानने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप यह एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने रिएक्शन दिखाया कि ए और प्लस बी आपस में मिल करके क्या बना दिए, सी प्लस और डी बना दिए, ठीक है। आपने रिएक्शन में दिखाया कि ए और पी क्या हो गए, सी और डी बना दिए। थोड़ा सा फिर बैक करते हैं, आप इसको ध्यान सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड मैकेनिज्म, क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। हम यह पढ़ेंगे कि किस तरह से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है और उसका क्या मैकेनिज्म होता है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ पर यह जानने की कोशिश करिए कि स्टेबिलिटी और मैकेनिज्म क्या हुआ करता है, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मैकेनिज्म में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज असाइन टू बी इट्स एग्जिस्टेंस इन ए इक्वल सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर पी एच ऑफ द सॉल्यूशन एंड रेट कॉन्स्टेंट आर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अकाउंट ऑफ दीज पैरामीटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टू टाइप थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, है ना। इनका कहना है कि जो आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है उन सारी चीज़ों में आपका रेट कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी पीएच मीटर ये सारी चीज़ें ये सारे फैक्टर हमारी किस में आते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की, यानी जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है जो कंपाउंड आपका बन रहा है उसमें आपको देखना होगा कि यह थर्मोडायनामिक स्टेबल है कि नहीं है। और इसके लिए आपको यह देखना होगा कि इसके अंतर्गत जो यहां पे
इसके अंतर्गत जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वह ऑलरेडी उसके अंदर जितने भी फैक्टर हैं वह सारी फैक्टर पूर्ण है कि नहीं है। जैसा मान लीजिए कि हम एक रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी लेते हैं और वह कन्वर्ट होकर के सी प्लस डी में जा रहा है, तो आप ही बताइए कि ए प्लस बी, या मान करके चलिए कि ए प्लस बी कन्वर्ट होकर किस में गया, सी प्लस डी में, या एज्यूम दैट, और या इसकी जगह पर हमने ले लिया ए सिंगल बॉन्ड बी ले लिया और हमने बना दिया सी सिंगल बॉन्ड डी, ऐसा बना दिया, या हमने इसे बना दिया ऑलरेडी ए प्लस बी बना दिया, ऐसे बना दिया, तो आप बताइए कि इसमें क्या होगा। इसमें यह होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर है ना, ऑलरेडी यहाँ पर होगा क्या, या माने दो कंपाउंड ले लीजिए, एक और ले लीजिए आप, ताकि और अच्छे से रिएक्शन समझ नहीं जाइए, और ऐसा ले लेते हैं ए सिंगल बॉन्ड पी सी सिंगल बॉन्ड डी, और ये कन्वर्ट हो गया ए सिंगल बॉन्ड सी प्लस बी सिंगल बॉन्ड डी, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हुआ ये देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, हम यह कैसे जानेंगे कि यह ए प्लस सी या बी प्लस डी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है कि काइनेटिकली स्टेबिलिटी है, हम यह कैसे जानने की कोशिश करेंगे इसको देखिएगा। इसको जानने के लिए हमारे पास चाहिए क्या कि जो ए सिंगल बॉन्ड बी है, क्या है ए सिंगल बॉन्ड जो बी है प्लस सी सिंगल बॉन्ड जो डी है, ऑलरेडी इसके लिए हमको यहाँ पर यह जानना होगा कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, थर्मो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी की क्या रोल है, यानी इसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। सबसे पहले क्या होगा बॉन्ड एसोसिएशन, फिर बॉन्ड एसोसिएशन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑलरेडी हमको एक प्रकार की एनर्जी देनी होगी, और जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे ऑलरेडी यह एनर्जी ऊपर बढ़ेगा, दैट इज ए सिंगल बॉन्ड बी है, और जैसे ही यह ऊपर गया यह टूटता हुआ नजर आया, ए देखिए टूटता हुआ नजर आ रहा है, और सी भी क्या आ रहा है टूटता हुआ नजर आ रहा है, यही इसका ट्रांजिशन स्टेट है, यही इसका क्या है ये, यही इसका ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पे ये कितने तेजी के साथ यहाँ पे पहुँचा है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ए बराबर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ए बराबर क्या होता है ई ए माइनस है ना ई ए अपान आर टी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ए बराबर ए इनवर्स ई ए अपान आर टी, यही होता है। तो ऑलरेडी यही एक्टिवेशन एनर्जी आपको देखनी होगी, और तुरंत जैसे ही ये टूटा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, तो बॉन्ड एसोसिएशन हो रहा है, और तुरंत ये डाउन हो करके किस में बना दिया प्रोडक्ट, तो एसोसिएशन हो जाएगा यहाँ पे, तो बॉन्ड एसोसिएशन में ऑलरेडी क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ भी पहुँचने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, गिब्स की फ्री एनर्जी भी इसमें रहेगी, बॉन्ड टूटा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी रहेगी, यह सारी चीज़ें हमको देख करके यह तय करना होगा कि बनने वाला प्रोडक्ट जो आया जिसमें ये सारे फैक्टर थे कौन कौन, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी था, गिब्स की फ्री एनर्जी था, एक्टिवेशन एनर्जी था, और ऑलरेडी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी थी, रेट कांस्टेंट था, पीएच मीटर था, ये सारे फैक्टर एक प्रोडक्ट को बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर यह देखना होगा कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है यह बनने वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टेबल हुआ कि नॉन स्टेबल, यदि स्टेबल है तो किस प्रकार की स्टेबिलिटी होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होगी, यह किस प्रकार की स्टेबिलिटी होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होगी, किस प्रकार की स्टेबिलिटी हो जाएगी या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई स्टेबिलिटी आ रही है और उसका कारण कौन बन रहा हो, गिब्स की फ्री एनर्जी बन रही हो, एक्टिवेशन एनर्जी बन रही हो, पीएच मीटर बन रहा हो, रेट कॉन्स्टेंट बन रहा हो, ये तमाम एक्टिवेशन एनर्जी बन रही हो, ये तमाम रीजन अगर उसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब बेटा जी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे वह थर्मोडायनामिक
थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हो जाएगा। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए हमको चाहिए कि उसका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वह प्रोडक्ट के अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है किस कारण से आ रही है, उसकी स्टेबिलिटी यदि आ रही है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो उसका कारण बनेगा कि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ऑलरेडी एसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ये सारी एनर्जी मिल करके ही उसको एक प्रकार का उसको क्या बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि वह कॉम्प्लेक्स है तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा और उस स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होगा, उसके साथ कुछ लिगेंड लगे होंगे, H2O लिगेंड लगा दिया जिसकी संख्या X कर दिया, यह मेटल केटायन है N प्लस कर दिया। कॉम्प्लेक्स केटायन लिया हुआ हूँ, क्या लिया मैंने एक कॉम्प्लेक्स केटायन लिया है और इस कॉम्प्लेक्स केटायन यह में H2O का होल X स्क्वायर करने से स्फीयर के बाहर एन प्लस कर दिया। वेयर एक्स इज कल टू आपको बता दें नंबर ऑफ लिगेंड। वेयर एक्स इज कल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड हो गए। मैंने एक एक्स लिया जहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। एक्वा सोल्यूशन है ये H2O का मतलब हुआ एक्वा, और एक्वा का मतलब हो गया एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया वाटर। वाटर मॉलिक्यूल लिया, नंबर ऑफ लिगेंड में मैंने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया। अब आप ही बताइए, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लिया, अब मान लीजिए कि मैं वो कोई लिगेंड और आना चाह रहा है, मीन्स यहाँ पे जो H2O है वह लिगेंड की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि वह मेटल को ऑलरेडी क्या कर रहा हो, स्टेबल कर रहा हो, है ना। यानी मेरे पास H2O है और X की संख्या है, बट हमको यह नहीं पता है कि H2O कितना है, लेकिन अभी तक हम इसको मान करके चलिए कि जो X की संख्या थी H2O की वह ऑलरेडी मेटल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, मेटल को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, मेटल की एक्टिवेशन एनर्जी को शांत नहीं कर पा रहा है, मेटल की डिसोसिएशन एनर्जी को पूरी नहीं कर पा रहा है, मेटल के गिस एनर्जी को नहीं कर पा रहा है, मेटल को एक्टिवेशन एनर्जी को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी इसको और कुछ लिगेंड चाहिए, अभी भी उसको क्या चाहिए, कुछ और लिगेंड चाहिए। तो मान करके चलिए कि यदि थोड़ी देर के लिए हम मान करके चलिए कि जो मेटल का एक्वा सोल्यूशन है ऑलरेडी उसमें कोई लिगेंड आने की कोशिश कर रहा है, या तो हम मान करके चले कि इस H2O से यह मेटल संतुष्ट नहीं है, या यह भी एज्यूम कर सकते हैं कि यह संतुष्ट है बट इसके बावजूद भी लिगेंड यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, तो ऑलरेडी इस लिगेंड को इस मेटल और H2O के बीच में, यानी एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल है। यह क्या है, यह आपका एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल है, और जैसे ही यह एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल है इसमें लिगेंड आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही यह लिगेंड आने की कोशिश करेगा ऑलरेडी यहां से एक क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी आपको दिखाना होगा कि मेटल के साथ H2O, यहां से H2O में से कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ तब जाकर के लिगेंड आकर के यहां पे अप्रोच हुआ, तो इसका मतलब यह रिएक्शन कैसा हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज असाइन टू बी इट्स एग्जिस्टेंस इन एक्वस सोल्यूशन, किस सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस होता है, एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस होता है। तो बताइए यह सोल्यूशन एग्जिस्ट एक्वस सोल्यूशन हुआ कि नहीं, यानी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी या किसी भी मेटल की स्टेबिलिटी। आपको बता दें जो स्टेबिलिटी हुआ करती है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऑलरेडी उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, वह फिर टूटना नहीं चाहिए, जो टूटना था वो टूट चुका। और बेटा जी, कोई चीज़ जब जल में डाला जाता है तभी वह टूटता है, और जब वह टूटता है तो उसकी साइज छोटी होती चली जाती है, लास्ट में इतनी छोटी साइज हो जाती है कि उसके बाद वह टूटता नहीं, उसकी सबसे मिनिमम जो साइज होगी वही ऑलरेडी उसका
वहीं ऑलरेडी उसका स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा, वहीं उसका स्टेबल अमाउंट माना जाएगा, वहीं उसका स्टेबल अवशेष माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हो या काइनेटिकली स्टेबिलिटी हो या किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर हो, तो हम वहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए यह शर्त होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, यानी वह जो जिस मेटल का जिस कॉम्प्लेक्स का जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम स्टेबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं उसको ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन में होना चाहिए, यानी मेटल का एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा था वहाँ पे मेरे मेटल का एक्वा सोल्यूशन लिया, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज असाइन टू बी एग्जिस्टेंस इन एक्वा सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर पीएच ऑफ द सोल्यूशन एंड रेट कॉन्स्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अकाउंट ऑफ दिस पैरामीटर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज ऑफ टू टाइप्स थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिकली स्टेबिलिटी। यानी हमको जिस कंपाउंड का स्टेबिलिटी निकालना होगा सबसे पहले मुझे उसका एक्वा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और जैसे ही एक्वा सोल्यूशन बनाना पड़ा तुरंत हमको वहां पे देखना होगा कि किसमें चेंजिंग आ रही है, क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनता है तो आपने देखा होगा जैसे ही हम लोग सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन बॉर्नहाइबर साइकिल के नाम से जाना जाता है। बॉर्नहाइबर साइकिल, बॉर्नहाइबर यानी हाइबर ने अपने इस विधि में बताया था कि जब क्लोरीन और सोडियम आपस में मिला करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने देखा था कि वहां पे साल्वेशन एनर्जी एक आ रही थी, डिसोसिएशन एनर्जी एक आ रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आ रही थी, अनाइजेशन पोटेंशियल आ रहा था, और ये सारी चीजें मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे थे जो हमारा हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से कलेक्ट था और जिसके सहारे हम एक लेटेस एनर्जी भी प्राप्त कर रहे थे। तो बेटा जी आप जानते ही हैं कि जब मेटल और वाटर के मॉलिक्यूल्स उसका एक सोल्यूशन बन रहा होगा और उस स्थिति में यह जब टूट रहा होगा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा होगा और वहां पे कोई लिगेंड आने की कोशिश करेगा तो लिगेंड तभी आ सकता है जब वाटर चाहेगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को वह क्या करेगा सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसका मतलब कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो मिल रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो स्टेबिलिटी भाई, जो पहले से जुड़ा है वो हटेगा नहीं तो स्टेबल है ही ना, जो पहले से जुड़ा है और हटा नहीं है तो वह स्टेबल तो है ही ना। लेकिन यदि कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई वहां से हट रहा है फिर कोई दूसरा उसे मिल रहा है, तभी तो हम स्टेबल जानेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी कौन है, इसमें कंपाउंड स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो किसके कारण से हुआ। स्टेबिलिटी हम कहां पे जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, जो पहले से ही स्टेबल है तो उसमें स्टेबिलिटी जानने की आवश्यकता क्या है, एडिशन रिएक्शन में स्टेबिलिटी जानने की आवश्यकता क्या है। स्टेबिलिटी तो हम वहां पे जानेंगे जहां पे वह विघटित होता रहता है, जहां पे वह रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो या कोई भी एलिमेंट हो जो विघटित होते रहते हैं, जो ऑलरेडी भागते रहते हैं, उनकी पता ही नहीं कब वो स्टेबल हो रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की जानकारी लेनी है कि इसमें क्या कारण है कि यह इनस्टेबल है और किसके कारण से इनस्टेबिलिटी आ रही है, वही चीज उसमें डाल करके उसे स्टेबल कर लिया जाए, वही चीजें उसमें डाल करके क्या कर लिया जाए स्टेबल कर लिया जाए। इसी को चेक करने के लिए हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा करते हैं। जैसे H2O का होल यक्स है तो यक्स क्या है नंबर ऑफ लिगेंड है। अब इस नंबर ऑफ लिगेंड को हमको ऑलरेडी जो हमको यह देखना होगा, हमने देखा कि मेटल के एक्वा सोल्यूशन को हम देख रहे हैं कि वह स्टेबल नहीं है, इसलिए इसमें हमने किसी लिगेंड को मिलाया और जैसे ही कोई लिगेंड मिलाया H2O का मॉलिक्यूल वहां पे विस्थापित होगा, उस लिगेंड को लेता चला जाएगा और वह की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रकार की एनर्जी होगी जिसे हम KF कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे KF कहेंगे। यह जो एनर्जी होगी यह एनर्जी ऑलरेडी यही एनर्जी आपकी किसको लेकर के चलेगी, यही एनर्जी आपको लेकर के चलेगी गिस्क फ्री एनर्जी को ली रहेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ली रहेगी, हीट ऑफ फ्यूजन को ली रहेगी, पीएच मीटर को ली रहेगी, रेट ऑफ कांस्टेंट को ली रहेगी, और इसी के कारण से इसमें स्टेबिलिटी आती रहेगी। यानी आपको ऑलरेडी जो हमारे पास मेटल के साथ वाटर जुड़े हुए हैं, ये जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ हमने मेटल लिया हुआ है, यह एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल को स्टेबल करने के लिए हमको ऑलरेडी के गिब्स की फ्री एनर्जी को स्टेबल करना होगा, गिब्स की फ्री एनर्जी में परिवर्तन करना होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन में परिवर्तन करना होगा, ऑलरेडी
बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में परिवर्तन करना होगा और साथ ही साथ हमें रेट कांस्टेंट में परिवर्तन करना होगा, पीएच मीटर में परिवर्तन करना होगा। यह सारी चीज़ें जो होगी ऑलरेडी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। हम यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। अगर आप थियोरी लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, आपको यह भी बता दें, यह जो स्टेट होता है लगभग इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्टेंस करता है। आपको बताया जा रहा है थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट में ही एग्जिस्टेंस होता है। थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर स्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि अभिक्रिया की रेट आगे भी जा सकती है, अभिक्रिया की रेट पीछे भी जा सकती है। यह एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, वह आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, तब तक जब तक दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फ्लो टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता हमेशा अधिक से कम की तरफ बहती है। कहाँ से बहती है? अधिक से कम की तरफ बहती है, इसलिए ताकि कम वाला भी ज़्यादा हो जाए। और अभिक्रियाएँ तब तक होती रहती हैं या सांद्रताएँ तब तक बहती रहती हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रताएँ बराबर ना हो जाए। इसलिए थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी कैसे चिन्ह करते हैं? स्टेबिलिटी सोच द क्या सोच करता है? भाई गिब्स फ्री एनर्जी शो करता है। और क्या शो करता है? दैट इज पीएच मीटर शो करता है, पीएच वैल्यू शो करता है। और क्या करता है? रेट कॉन्स्टेंट शो करता है। एक्टिवेशन एनर्जी शो करता है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो पूरा जनरलाइज कर दे रहे हैं। बहुत ही सरल है बीएससी थर्ड ईयर वालों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे होगे तो ये जरूर लाइक करोगे, जरूर सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, क्योंकि आपको हम बता दें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बहुत कठिन शब्द नहीं है। हम आपको बता दें कोई भी कम्प्लेक्स होता है उसमें रिएक्टेंट और सबस्टेंट होते हैं, और यह रिएक्टेंट और सबस्टेंट आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाया करते हैं। चेक यह करना था कि वह प्रोडक्ट जो है वह स्टेबल है कि नॉन स्टेबल। आपको बता दें जब कोई भी रिएक्टेंट और सबस्टेंट आपस में मिला करेंगे तो ऑलरेडी उसमें चेंज किया जाएगा, गिब्स की फ्री एनर्जी क्या आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आ रही है, ऑलरेडी उसके रेट कॉन्स्टेंट कितने हो रहे हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या। इन सारी चीज़ों में चेंज करने के बाद ही हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। हमको यह देखना होगा कि उसकी स्टेबिलिटी में कहाँ पे कमी आ रही है, ऑलरेडी उसका हम एक सोल्यूशन बनाएंगे और फिर उसमें उस लिगेंड को डालेंगे जिस लिगेंड के साथ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एक ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। जैसे ही वह लिगेंड वहाँ पे जाएगा तुरंत ही वहाँ पे वह क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करेगा। किसका सब्स्टिट्यूशन करेगा? दैट इज वाटर का सब्स्टिट्यूशन करेगा, वाटर को वेपराइज करना शुरू कर देगा, वाटर को डिहाइड्रेटेड करना शुरू करेगा, मेटल को डिहाइड्रेटेड करना शुरू कर देगा। और इस तरह से जैसे ही वह मेटल को डिहाइड्रेटेड करेगा आप वहाँ पे देखेंगे कि आसानी के साथ मेटल को डिहाइड्रेट करते हुए मेटल के साथ वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही चीनी को पानी में डालेंगे चीनी तुरंत घुलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसी चीनी को जब आप घोला हुआ शरबत को जब आप गर्म करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वह डिहाइड्रेटेड होता चला जाएगा और चीनी की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो यही रीजन है स्टेबिलिटी थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी में ऑलरेडी गिब्स फ्री एनर्जी रहता है, उसको थर्मली किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी में चेंजिंग आती है, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजिंग आती है। और आपको बता दें रिएक्शन देख करके अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर यह जान लीजिएगा कि थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी हो रही है। थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी के लिए हमें एक सोल्यूशन होना चाहिए, मेटल हाइड्रेटेड होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को
बिल्कुल लाइक्स किए होंगे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और लाइक्स करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ आप इसे इस वीडियो इस चैनल में कमेंट बॉक्स के अंदर आप जाकर के कमेंट लिखिए, ताकि हमको भी यह पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वह ठीक ही है, और उस कमेंट बॉक्स में आ करके आपको जो समझ में ना आया हो उसको पूछने की कोशिश करिए, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसको बिल्कुल डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करिए, ताकि हम आपको और आप जो उसमें समझ में ना आया उसको आप बार बार पूछ भी सकते हैं, ताकि हम आपको उसको प्रॉब्लम का सलूशन कर सकें। आपको यह भी बता दें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, गिब्स की फ्री एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो यूज हुआ होती हैं वह ऑलरेडी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में आया करती हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी के लिए ऑलरेडी हमको क्या करना होगा, ऑलरेडी हमको उसका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना होगा, एक सोल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिएगा। देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।